वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूँ चौधरी मोहन गुजर और मकड़ाई समाचार की टीम फिर पहुँच चुकी है हरदा जिले के रहट गाँव में। जैसा कि बीते दिनों हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि किस प्रकार पिछले 50 वर्षों से 5 परिवार वन विभाग की जमीन पर निवास कर रहे थे और उनको प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया, और हटाने वाला जो था वो राजस्व विभाग था, जबकि ये जो भूमि थी वो फॉरेस्ट की भूमि थी। इस भूमि की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट को कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही ग्राम पंचायत को कोई दिक्कत थी, लेकिन राजस्व विभाग ने इस भूमि से अतिक्रमण का कहकर इन 5 परिवारों को बेघर कर दिया। हर बारिश में, जैसे कि अभी बारिश का दौर चल रहा है, और इस बारिश के दौर में इन्होंने 5 परिवारों को बेघर कर दिया, और उन परिवारों को वैकल्पिक रहने के लिए अभी यहाँ पर जो कृषि उपज मंडी का परिसर है वहाँ पर उनकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद में भी सिर्फ इनका यहाँ पर जो आशियाना जो सामान था वो यहाँ पर छोड़ा गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि इस परिसर में पानी की व्यवस्था नहीं है, और ये पीड़ित जो परिवार के लोग हैं दूर खेतों से पानी लेकर आ रहे हैं। यहाँ भी एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि हमने यहाँ से टैंकर खरीदा, मतलब जो बाढ़ पीड़ित है ऑलरेडी उनको प्रशासन ने बेघर कर दिया, उनके जो 50 साल से जिस स्थान पर रहते आ रहे थे उसको हटा दिया गया, उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया है, और किसी भी प्रकार की कोई सहयोग उनको नहीं किया गया जो कि करना चाहिए। हालांकि जो SDM है टिमनी SDM महेश बड़ोले, उनके द्वारा मीडिया कर्मियों को कहा गया था कि जो पीड़ित परिवार है उनको हर समय हम लोग मदद करेंगे, जन सहयोग से उनको जो भी आर्थिक सहायता बनेगी वो करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि 8 दिन बाद भी इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया। दूसरा, अभी और अतिक्रमण हटाने का चल रहा है और उन परिवारों को भी बेघर करने की प्रशासन की मंशा है, लेकिन अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है उनको जो व्यवस्थाएँ मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति प्रशासन के द्वारा करना चाहिए, लेकिन नहीं की गई। हम सभी परिवारों से चर्चा करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? अतिक्रमण हटाया गया, आज 8 दिन हो गए, क्या प्रशासन के द्वारा क्या सहयोग किया गया? ईंट देने बोले थे, अभी दिए नहीं। ईंट देने का बोला था, और इसके अलावा जैसे खाने पीने 4 महीने की जो व्यवस्था कर, कुछ नहीं दिया? अभी कुछ भी नहीं दिया। हमारे बच्चों जब से तबीयत खराब है, लू लपाट लग गई बच्चों को, प्रशासन ने सिर्फ ईंट का बोला था। ईंट अभी दिए नहीं है, बोले हैं। और जो जगह दिए वहाँ पर कोई चिन्हांकित करके दिए जगह? बोले हैं करके देंगे, अभी दिए नहीं। नहीं दिया? हाँ, कहे हैं, बोल रहे हैं। 8 दिन में कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ देखने आया आपको? अभी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? अब यही है कि हमारे मजदूरी दे भैया, हम कहाँ से ला के करेंगे? ईंट दें, सीमेंट को मांगे, तुमने घर को मैं तोड़ दिए, हम कहाँ से बनाएंगे? हम मजदूर वाले, हम घर की करें, बच्चा पाले कि घर बनाएं? 3 महीने का औलाद है, उसके बाद हटाने की है, 3 महीने बाद हटा देंगे यहाँ से भी। यहाँ से 3 महीने बाद हटा दिया? हाँ, मतलब 3 महीने में आपको घर भी बनाना है? हाँ, 3 महीने में घर भी बनाना। और आप लोग क्या काम करते हो? हम मालिक काम करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये लोग सब गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, और इस बारिश के दौर में प्रशासन के द्वारा, टिमनी प्रशासन के द्वारा खास करके इनका अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधाओं के नाम पर इनको कोई भी व्यवस्था नहीं दी। क्या आपका भी अतिक्रमण हटा जी? क्या सुविधाएं दी प्रशासन ने, कोई आर्थिक सहयोग किया आपको? कुछ नहीं दिया सर, हमको हम भी इलाके से पटाने के ना पानी की व्यवस्था है, लेटिंग में जाओ तो बाहर जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग के, पानी भी पमन रात देगा कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, आज जैसे हमारा बच्चा बीमारी पड़ जाएगी। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी नहीं? बिल्कुल दूर है ये शौचालय, उसमें 4-5 घर जाना है, एक है जिसमें 4 घर जाते हैं, और ना पानी व्यवस्था, हमने हैंडपंप से धो धो के पानी लेके आए।
अब इतना पानी मतलब बारिश में कहाँ से लेकेंगे हम पानी? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? हम ये कह रहे हैं जो हमारा घर तोड़ा है इन लोगों ने, हमें सुविधा दे और या तो हमको मकान बना के दे। कितने साल से कब्जा था आपको? 50 साल से। हाँ, डेढ़ साल का बोला के तोड़ दिए घर, डेढ़ साल के तोड़ दिए, जो कि हमारे लिखित में 50 साल हो गया। 50 साल पुराना कब्जा था, तीन पीढ़ी निकल गई। अधिकारी क्या बोल रहे हैं, डेढ़ साल पुराना? हाँ, यही एडीएम बोले हैं कि न्यूज में दी है कि डेढ़ साल में बसे हैं यहाँ, जो कि हम 50 साल से दे रहे हैं। 50 साल से दे रहे हैं। वो जमीन किसकी थी? गज्जू लोग लेगी, जगह जिस जगह पे आपका मकान था वो जगह किसकी? फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट की जगह। हमारे साथ में और भी परिवार है, उनसे भी चर्चा करेंगे। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जाने की क्या प्रशासन के द्वारा व्यवस्था उनको कराइए। प्रशासन ने आपका अतिक्रमण हटाया था, जो कब्जा था, कितने साल से कब्जा था? 50 साल से। अभी यहाँ पर 8 दिन हो गए, क्या प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग किया गया, आपको आर्थिक मदद की गई? राशन भरा जाए तो हम थोड़ा थोड़ा लिया मैम। किसी भी प्रकार का सहयोग किया क्या, राशन वगैरह? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं दिया। अच्छे के मन तोड़ने से पहले प्रशासन ने कुछ कहा था क्या? हाँ, क्योंकि भगवान से निकलो बस, बोला था सहयोग के नाम में कुछ नहीं बोला कि सहयोग कुछ नहीं। आप दोनों हमारी छोरी है तो नौकरी पकड़ी, कहीं कर रही पड़े लिखे बार में, नाचने हुआ है हमारे साथ, वो छोड़ो जेल में तो वो भी आ रही दादा। कितने साल से रहते आ रहे थे? 50 साल से। अभी क्या प्रशासन ने हटा दिया वहाँ से? हटा दिया। और कोई सहयोग किया क्या किसी प्रकार का? कुछ नहीं, उन्होंने बोला था कि 25-25 हज़ार हम देंगे और देगा। खेत मालिक देगा, तो क्या खेत मालिक के दबाव में हटाया गया जाति का? हाँ, दबाव में हटाया। तुम्हारा नहीं, कुछ भी सहयोग नहीं करा। तो ये थे पीड़ित परिवार जिनकी दुख भरी दास्तान आपके सामने हमने रखी, रूबरू कराया, इनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया। आइए कुछ परिवार और हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी, आपका मकान था वहाँ पर जहाँ अतिक्रमण तोड़ा गया वहाँ पर, कितने साल पुराना कब्जा था? 50 साल से ऊपर। 50 साल से ऊपर हो गया। अभी क्या कहा प्रशासन ने आपको? आज 8 दिन हो गए, कोई सहयोग किया, कोई अपने आर्थिक मदद? कुछ भी नहीं मिला अपने को। कोई अधिकारी आए यहाँ पर देखने को लिए आपके पास? नहीं यार। परिवार के लोग क्या करते हैं? सब मजदूरी है इनकी, तो सब मेहनत मजदूरी करते हैं, धंधा करते हैं। अभी देखना होगा कि किस प्रकार प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा इन गरीब परिवारों के ऊपर अत्याचार किया गया है। अतिक्रमण हटाने से पहले इनसे वादे भी प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया था, लेकिन 8 दिन हो गए, ये पूरे जो पीड़ित परिवार है यह मंडी सेट में रहने को मजबूर है। यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, और ना ही इनको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहयोग राशि प्रशासन के द्वारा दी गई। हालांकि जिस दिन अतिक्रमण हटा था उस दिन जरूर SDM टिमनी के द्वारा कहा गया था कि इनको आर्थिक मदद करेंगे, लेकिन वो आर्थिक मदद कब करेंगे यह, लेकिन अभी तक इनके पास किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं, कोई नहीं, कोई बच्चा भी नहीं आया। ये 5 जो परिवार थे जिनको प्रशासन ने बेघर किया, उनका अतिक्रमण हटाया, उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया, और प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली, मतलब किसी भी प्रकार का, ये सभी लोग गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, प्रशासन के नुमाइंदों के द्वारा इनको आर्थिक सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह लोग बारिश के 4 महीने कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, किस प्रकार अपना घर और परिवार चलाएंगे। इन्हीं परिवारों में एक परिवार ऐसा भी है जिसमें बुजुर्ग दंपति है जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है,
और इसके साथ ही इनके खंधों पर इन मासूम बच्चों का भार है, क्योंकि ये चार जो मासूम आप बच्चे देख रहे हैं इनकी परवरिश भी इनके जिम्मे पर है, इनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण हटाया, ठीक है उसके जो दायरे में आता था उसने किया, लेकिन प्रशासन का ये फर्ज भी बनता था कि ये पीड़ित जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इनके आने वाला जो समय है चार महीने बारिश में इनका घर परिवार कैसे चलेगा, इस ओर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन के अधिकारी सिर्फ कहते गए कि हम आपको आर्थिक सहयोग करेंगे, लेकिन इनके आशियाने उजाड़ देने के 8 दिन बीत जाने के बाद में भी किसी भी अधिकारी ने, न तो SDM ने, न तहसीलदार ने, न RI ने, न पटवारी ने, और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी कोई सुध ली। अगर हम बात करें तो जब चुनाव का समय आता है तो एक एक वोट कीमती होता है, और यही नेता लोग घर घर जाकर वोटों की भीख मांगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि हरदा जिले के रहटगांव तहसील में 5 परिवारों को बेघर कर दिया गया। ये वो परिवार थे जो वन भूमि में पिछले 50 साल से रहते आ रहे थे। हालांकि जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने शासन प्रशासन को भी गुमराह किया, मतलब इनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको गुमराह किया, और 50 साल पुराने कब्जे को महज 1.5 साल पुराना बताया गया, जिसके वीडियो और प्रमाण आपके सामने है। लेकिन मानवता आज शर्मसार हो गई कि इन परिवारों की सुध लेने के लिए न तो कोई नेता आ रहा है, न कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है, और ना ही विभाग के अधिकारी आ रहे हैं। आप देख सकते हो कितने मासूम बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा, भविष्य की जिम्मेदारी क्या होगी, या कहाँ जाएंगे, ये एक सोचने की बात है। अब हमारे साथ में दादी है जो इन पूरा परिवारों को लेकर चल रही है, इनका भरण पोषण करें, उनसे हम चर्चा करेंगे। दादी क्या नाम है? कृष्णा। कितने साल से कब्जा था वहाँ पर आपका? हमारा 50 साल का 50 साल से कब्जा था। अभी क्या प्रशासन ने आपको वहाँ से बेघर किया, उसके अंदर कोई सहयोग या आर्थिक मदद की किसी प्रकार की? कुछ नहीं दिया भैया, कुछ नहीं दिया। उनने तो भग जाओ और भग जाओ और ऊपर से कहे अरे उनको पकड़ो नहीं तो नीच में दे देगा, नीच में दे देगा, ऐसा करके ना सबको रोक दिया, तहसीलदार को, थानेदार को, सबको रोक दिया उन्होंने। उन्होंने रोका, ये भी मैं आपको बताती हूँ, भले वो मैं कुछ जल पूछा दे, ए डी एम ने रोका मेरे सामने बोला, मैंने खुद ने सुना ADM ने बोला जी। अच्छा। कि इसका रोको, वीडियो गया एक बनाया हमने, बोले उसका वीडियो गया, तो वीडियो गया जैसा गज्जू ने देखा, जैसा गज्जू ने बोला कि इनको रोको ये तो काम बिगड़ जाएगा, गज्जू ने वहाँ से फोन लगाया कि रोको इनको नहीं तो काम बिगड़ गया। और ये है ना, ये न्यूज वाले हो ना, सबने नोट गिरा तुरंत, और तुरंत नोट गिरा को मैं तो नहीं बच रहे ADM के पास, हम रोया गया करें, हमारा नुकसान होगा, और ना मेरा बहू का पता, ना मेरा लड़का फिर मैं जिला बदल करवा दी यार। कब जिला बदल हुआ? ये 20 तारीख आएगी, 2 महीने हो जाएगी। 2 महीने पहले? हाँ, 2 महीने पहले। अभी कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 9 लोग हैं। अब ये बच्चे? हाँ, ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अच्छा, इनकी देख रेख आप ही कर रहे हैं? कपड़ लोगों का खिला रहे हैं, गरीब लोग हैं, कपड़े सितम्बू ना बुला ले, तुम ना बुला ले, तुम्हारे घर से ही आएंगे, वो तो खिला रहे हैं हम तो। क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ जब हम मकान बांधेंगे, और निकल मकान भी नहीं बांधे ना, मंडी से निकले जिंदगी, भले हमको मत डालेंगे तो मकान बांधेंगे, और नहीं तो हम मंडी से निकलेंगे, और नहीं कहीं जाएंगे, हम मंडी छोड़ते, जब हमको बेघर कर दिया तो हम मंडी क्यों छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी सरकारी है, हम मंडी आज छोड़ेंगे ना कल छोड़ेंगे। उन्हीं को उनसे बोला कि हमारों को मकान बनवा कर, जैसा मेरा मकान टूटा है, जैसे ही मकान, मेरा मकान तो बहुत लंबा चौड़ा था, पर आप कम में बनवा के दे, पर मेरा मकान बनवा के दे दे, 4000 इंच की थी, 2 ट्राली थी, तो 2 ट्राली में तो उनकी कमर भी नहीं बनेगी, 2 ट्राली इंच को क्या करूँगी मैं? प्रशासन ने 2 ट्राली इंच का बोला? 2 ट्राली इंच का बोला, वो भी नहीं थी हम लोग को, अब उनको कवर बनाएंगे, 4-5 के कवर भी नहीं बनेगी, मतलब मकान चाहिए, मकान के बदले मकान चाहिए, मकान तो बदले मकान चाहिए, तो हम तो मकान खाली नहीं करेंगे, मंडी आज करेंगे कल करें, हाँ आज करेंगे कल करें। और बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे जाते हैं, ये 5वीं पढ़ता है, ये 4थी पढ़ता है, ये 2वीं पढ़ता है, ये 8वीं पढ़ती है, सरकारी स्कूल में? सब सरकारी में, सब सरकारी में है।
सब सरकारी में जब उनके दिमाग ही नहीं है मैं उनका माफ हूँ। मतलब माता पिता दोनों नहीं, बाप को जिला बदल कर गया, माँ चली गई, माँ चली गई, दो नहीं है। अब देख सकते हो कि किस प्रकार का दर्द और दर्द दुख इनके अंदर है। ये बुजुर्ग दंपति है, जात से धोबी समाज से है और लोगों के कपड़े धोकर अपने घर और परिवार को चलाते हैं। और वर्तमान में कंडीशन देखिए कि चार चार मासूम बच्चे हैं, इनके पढ़ाई का बोझ इनके कंधों पर है बुजुर्ग में। लेकिन यहाँ पर भी मानवता पूरी तरीके से संसार हो गई, अधिकारियों के कानों को जू तक नहीं रहेंगी और इनको बेघर कर दिया गया। अब ये परिवार के लोग चाहते हैं कि मकान के बदले मकान मिले और ये चार महीने किस प्रकार अपना परिवार घर चलाएंगे, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो प्रशासन को इसी स्थिति में प्रत्येक परिवारों को चार महीने की राशन की सामग्री की व्यवस्था करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिले के जिलाधीश महोदय ऋषि आदित्य सिंह जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि प्रशासन ने अतिक्रमण मुहिम के तहत 5 परिवारों को बेघर किया और उस जमीन से बेघर किया जो फॉरेस्ट विभाग की थी, और फॉरेस्ट विभाग की भूमि से बेघर करने के बाद में उस जमीन को व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि उस फॉरेस्ट की भूमि पर प्लांटेशन बनाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की जाए, उस भूमि को व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं दिलाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पर प्लांटेशन बनेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे, तो हमारे यहाँ का पर्यावरण सुधरेगा और शहर का विकास और सुंदरीकरण भी देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों ने जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाया है और हटाने के बाद में व्यक्ति विशेष को उस जगह का लाभ दिलाया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं गलत है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।